हेलो एवरीवन, इस पूरी सीरीज के अंदर हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे ऑन डिजिटल लॉजिक। और डिजिटल लॉजिक के अंदर जितने भी सिलेबस है पूरा, जो स्टार्टिंग से एंड तक हम पूरा टॉपिक जो है सब कवर करेंगे, और उसके साथ साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो आई होप जो क्लासेस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आई थिंक यू नो माई नेम इज़ हिमांशु कौशिक, और मुझे गेट की फील्ड में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो चुका है। मैं इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, और सब पहली बार मैंने गेट एग्ज़ाम क्लियर किया था, दैट वॉज इन 2011-12। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि इसी फील्ड में मुझे लगभग 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपीरियंस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो इसी वजह से आप जो हमारी क्लासेस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं ऑन अन अकेडमी, तो अन अकेडमी पर मेरे पास दो तरह के कोर्सेज जो होते हैं। पहला जो है दैट इज़ कॉल्ड प्लस कोर्स, एंड सेकेंड इज़ आइकॉनिक कोर्स। तो प्लस कोर्स में स्पेशल ये है कि यहाँ पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स यहाँ पर होते हैं, और साथ साथ में जो मेरी क्लासेस होती है काफ़ी इंट्रैक्टिव होती है, यानी कि आप और मैं क्लासेस के बीच में इंट्रैक्टिव या डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। और साथ साथ में जब आप आइकॉनिक कोर्स में जाएंगे तो आइकॉनिक में स्पेशल है, स्पेशल ये है कि एक मेंटर आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। तो मेंटर जब भी आपको कोई भी डाउट रहेगा, आपको कोई भी नोट्स की ज़रूरत होगी या फिर आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, तो मेंटर हमेशा आपको सपोर्ट करेगा इन एनी वे। तो अगर मेरा कोई भी कोर्सेज लेना चाहते हैं विद अन अकेडमी, चाहे आप प्लस ले या फिर आइकॉनिक ले, मेरा कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, जस्ट यूज़ अ कूपन कोड विच इज़ कौशिक 10, क्योंकि कौशिक 10 में आपको टोटल 10% ऑफ हमको मिल जाएगा। जस्ट यूज़ दिस एंड होप यू लाइक दिस। पूरी सीरीज जो है आपको बहुत अच्छी लगेगी, एंड थैंक यू सो मच। नाउ लेट अस लुक एट द वेरियस काइंड ऑफ कोड फॉर्मेट्स। तो जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे, इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव सीन दैट वी यूज ग्रे कोड इन गेम एप्स, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन सम थ्योरी रिगार्डिंग द BCD कोड एंड XS3 कोड। तो जो BCD कोड है, XS3 कोड है और जो ग्रे कोड है, उनकी जो एप्लीकेशंस हैं, मैंने ड्यूरिंग द गेम ऐप व्हेन वी वर मेकिंग सर्किट्स आई टोल्ड यू व्हाट आर द BCD कोड्स, व्हाट आर द XS3 कोड्स एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस। नाउ इन दिस केस, इन दिस सेशन, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी डिज़ाइन दीज ग्रे कोड्स और हाउ कैन वी डिज़ाइन दिस BCD कोड। देखो, जो ग्रे कोड है, देर आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रे कोड। जो ग्रे कोड है आपके पास, देर आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रे कोड। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इट इज़ अ यूनिट डिस्टेंस कोड। ये जो ग्रे कोड है वो एक यूनिट डिस्टेंस कोड है। बिटवीन दैट मीन्स एनी टू कॉम्बिनेशन वी हैव अ चेंज ऑफ ओनली 1 बिट। सेकेंडली इट इज अ सेल्फ रिफ्लेक्टिंग कोड। ये जो ग्रे कोड है आपके पास, हम इसको बोलेंगे दिस इज सेल्फ रिफ्लेक्टिंग। ये सेल्फ रिफ्लेक्टिंग कोड्स हैं। एंड थर्ड इन दिस ग्रे कोड, दीज आर योर साइक्लिक कोड्स। ये जो ग्रे कोड है, ये आपके साइक्लिक कोड्स होते हैं। मेक द ग्रे कोड्स एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये तीनों का मतलब क्या है, सबका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इन सब का मीनिंग क्या है। ओके, सो आई सेड इट इज यूनिट डिस्टेंस, सेकेंड आई सेड इट इज सेल्फ रिफ्लेक्टिंग, थर्ड आई सेड इट इज साइक्लिक कोड। ठीक है, अब देखो, जैसे इफ यू हैव ओनली 1 बिट, अगर आपके पास सिर्फ 1 बिट है, सो विद दिस वन बिट हमारे पास ग्रे कोड क्या हो सकता है। सो वी हैव 0 एंड 1, दिस इज द ओनली ग्रे कोड। यू कैन सी बिटवीन दीज टू वी हैव अ चेंज ऑफ ओनली 1 बिट, इवन इफ यू चेक आउट इन दिस मैनर, सो वी हैव ओनली अ चेंज ऑफ 1 बिट। अगर आपके पास 2 बिट्स है, सो इफ यू हैव 2 बिट्स, तो 2 बिट्स में ग्रे कोड क्या बन सकता है। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज दिस 1 बिट कोड जस्ट टू मेक 2 बिट्स कोड। मतलब देखो, 1 बिट में क्या था आपके पास, 1 0, सो आई कैन राइट दिस 0 एंड 1, अगेन राइट ऑपोजिट, सो 1 एंड 0। ये जो 0 1 था, इसको हमें सबसे पहले 0 1 लिखा, फिर उसके बाद 1 0 लिखा, एंड देन हियर आई एम गोइंग टू ऐड 0 0, हियर आई एम गोइंग टू ऐड 1 1। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इफ यू चेक इट बिटवीन दिस कोड एंड दिस, वी हैव अ चेंज ऑफ ओनली 1 बिट। बिटवीन दिस एंड दिस, वी हैव अ चेंज ऑफ ओनली 1 बिट, एंड बिटवीन दिस वन, वी हैव अ चेंज ऑफ ओनली 1 बिट, एंड बिटवीन दिस वन एज वेल एज दिस वन, वी हैव अ चेंज ऑफ ओनली 1 बिट। तो यहाँ पर सिर्फ 1 बिट का ही चेंज है। इफ आई वॉन्ट टू मेक द ग्रे कोड्स विद 3 बिट्स, आपको 3 बिट्स के ग्रे कोड बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे, जस्ट टेक दीज 2 बिट्स ग्रे कोड एंड राइट देम एज अ मिरर इमेज। जैसे दीज 2 बिट्स आर 0 0 0 1 1 1 1 0, राइट, मैंने ऐसे लिखा। अब नाउ राइट देम इन रिवर्स, राइट, सो आई एम गोइंग टू राइट 1 0 1 1 0 1
एंड 0 0. सो बस करा क्या मैंने यहाँ से, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स आई हैव रिटन देम इन रिवर्स ऑर्डर. एंड नाउ इन अबव दिस आई एम गोइंग टू ऐड जीरोज हियर. बस यहाँ पर मैं MSB में 0 ऐड करूँगा एंड हियर आई एम गोइंग टू ऐड 1 इन द MSB. राइट. सो अगर आप चेकआउट करेंगे बिटवीन दिस वन एंड दिस वन वी हैव अ चेंज ऑफ ओनली वन बिट. यहाँ पर भी सिर्फ एक बिट का चेंज है, यहाँ पर भी सिर्फ एक बिट का चेंज है, ओके, एंड यहाँ पर भी सिर्फ एक बिट का चेंज है. बिटवीन दिस वन एंड दिस वन दिस अ चेंज ऑफ वन बिट. हियर ऑल्सो वी हैव अ चेंज ऑफ वन बिट एंड हियर ऑल्सो वी हैव अ चेंज ऑफ ओनली वन बिट. एंड इवन इफ यू चेक आउट फ्रॉम हियर एंड हियर देयर इज अ चेंज ऑफ ओनली वन बिट. यहाँ पर सिर्फ एक बिट का ही चेंज है. इफ आई वॉन्ट टू राइट 4-bit ग्रे कोड्स, तो हम 4-bit ग्रे कोड्स को कैसे लिख सकते हैं? जस्ट यूज दीज 3-bit ग्रे कोड टू मेक 4-bit. तो सबसे पहले इनको एज इट इज लिखेंगे, फिर इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे. सो एज इट इज इफ यू आर गोइंग टू राइट इट, सो इट इज 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 एंड हियर वी हैव 1 1 1 1 0 1 एंड वी हैव 1 0 0. एंड नाउ राइट द सेम इन रिवर्स ऑर्डर. सो वी हैव 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 and 0 0 0. Okay, so from this point onwards I have started writing in reverse. So here in the upper portion I'm going to write 0, in the lower portion I'm going to write 1. So yahan par kya hoga aapke paas, this is 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1. Now you can see again this is the gray code with 4 bits. अब अगेन यू कैन चेक एनी कॉम्बिनेशन हियर. इवन इफ यू चेक द लास्ट वन हियर एंड इवन इफ यू चेक द फर्स्ट वन, वी हैव अ चेंज ऑफ ओनली वन बिट बिटवीन एनी टू कॉम्बिनेशन. आप यहाँ पर किसी भी कॉम्बिनेशन में चेक करेंगे, वी हैव अ चेंज ऑफ ओनली वन बिट इन दिस मैनर. सो इफ यू लुक एट दीज प्रॉपर्टीज, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज यूनिट डिस्टेंस, कि ये यूनिट डिस्टेंस कोड है. यूनिट डिस्टेंस बिट मीन्स बिटवीन एनी टू कॉम्बिनेशन हियर, बिटवीन एनी टू एडजेसेंट कॉम्बिनेशन वी हैव अ चेंज ऑफ ओनली वन बिट. सेकेंड, इट इज सेल्फ रिफ्लेक्टिंग. तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये जो है this upper portion is kind of a reflection, it is giving a reflection on the lower portion, right? And it is a cyclic codes, because you can see in even if you are checking in a cycle you are only getting one bit of change. Agar aap isko kisi bhi cycle mein bhi likhenge, for example let me write them in a cycle, okay, so let me write this 2-bit gray code in a cycle. Theek hai, agar main 2-bit gray code ko ek cycle mein likhunga, so this 2-bit gray code will look like this 0 0 0 1 1 1 1 0. So you can see in this cycle between any two adjacent elements we have a change of only one bit. So that is why it is also called as cyclic code. इसी वजह से हम इसको cyclic code भी बोलते हैं. I hope that you understood this. Now we have few codes which are self-complementing. Self-complementing का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर एक code है तो उसका जो complement है वो भी exist करेगा. जैसे राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस BCD कोड. सो BCD कोड के दो फॉर्मेट्स है. वी हैव टू फॉर्मेट्स ऑफ BCD कोड, दैट इज 8421 कोड एंड 2421 कोड, एंड देन वी हैव XS3 कोड. सो बेसिकली व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कोड इज, इन 1960s एंड 1970s व्हेन द इनिशियली कंप्यूटिंग मशीन्स, आई एम सेइंग कंप्यूटिंग मशीन्स, व्हेन इनिशियल कंप्यूटिंग मशीन्स वॉज डिजाइंड एंड द मेजर कंपनी दैट वॉज डिजाइनिंग दीज कंप्यूटिंग मशीन्स That was IBM. तो जो कंप्यूटिंग मशीन है उसको हमने बाद में कंप्यूटर्स का नाम दिया. ओके, सो इन 1960s एंड 1970s IBM used this BCD code as well as these, IBM used this BCD 8421 code and 2421 code to represent decimal numbers. And why they have used these codes? So that they can make the computations easy. Computations को आसान बनाने के लिए हमने इन कोड का यूज किया था. And we represent these BCD code and XS3 code only for the numbers between 0 to 10, because initially इनको design ही इसलिए किया गया था कि हम decimal numbers को binary में represent कर सके और वहाँ पर हम अपनी calculations और computations को perform कर सके. अब यहाँ पर ये जो भी code है, जैसे BCD code है and this XS3 code, all of these codes are basically self-complementing. Self-complementing का मतलब है कि जो code है, जैसे अगर एक number 0 है या फिर एक number 1 है, तो उसका जो complement है वो भी वहाँ पर exist करेगा. The complement will also exist. Okay? Let me explain you कि इनका मतलब क्या है. Okay, so here we have decimal numbers. So decimal numbers are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. यानी कि 0 से लेकर 9 तक आपके decimal numbers हैं. So in BCD 8421 code, so basically this is representing the place value. तो ये place value है कि जो ये वाली LSB है, this is having a value 1.
and MSV is having a value 8. So in BCD8421 code, 0 will be represented as all zeros. यहाँ पर सभी zeros होंगे. Then this 1 will be represented as 0001. 2 will be represented as 0010. 3 will be represented as 0011. 4 is 0100. 5 is 0101. 6 is 6 is 0110. 7 is 1000. 8 is 1. So 7 will be 0111. 8 is 100 and 9 is 10101, right? So basically in BCD8421 code, जितने भी आपके BCD8421 code है, यहाँ पर हमारे पास जो भी आपके decimal numbers हैं, we are going to represent each of these decimal numbers just by 4 bits. हम सभी decimal numbers को यहाँ पर सिर्फ 4 bit की help से ही represent करेंगे. Okay, we are representing decimal numbers just by using 4 bits. Okay, but then we have these 2421 code. So ये जो 2421 code है, this is a modified form of this BCD8421 code. And this 2421 code, this is a self-complementing. ये एक self-complementing code है. इसका मतलब क्या है? देखो, we have 0000, right? अब यहाँ पर जो भी आपका upper half है, upper half means before this 4. ये जो आपका upper half है, so after this upper half, the code will start complementing itself, right? तो उस upper half में हम लोग इस 2 का use करेंगे. And in the lower half, we are going to use this 2. कहने का मतलब क्या है? देखो, 1 will be represented as 0001, 2 will be represented as 0010, and 3 will be represented as 0011. Correct? This is 3. So, and this 4, ये जो 4 है आपके पास, this 4 will be represented as 0100. ये जो है, ये आपका 4 को represent कर रहा है. So, after this half, the code will start complementing itself. Code जो है, वो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेगा. इफ यू ट्राई टू फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, जैसे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट है, सो दैट इज 1011. अगर आप चेक आउट करेंगे फॉर दिस वैल्यू 5, जो 5 की वैल्यू है, दिस इज 2 + 2 + 1, दैट इज 5. सो दिस कोड विल स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग इट सेल्फ. उसी तरीके से 6 अगर आपके पास आएगा, सो 6 विल बी अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वैल्यू, सो विच इज 1100. 7 विल बी अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वैल्यू, विच इज 1101. 8 will be a complement of this value, which is 1110, and 9 will be a complement of this value, which is 1111. So यहाँ पर आप check कर सकते हैं. So this is again a self-complementing form code, जहाँ पर हम अपने आप को complement कर रहे हैं. In the same way, we have XS3 code. So XS3 code means whatever bits we have, right? So whatever combination we have, we are going to add 3 with this. तो इस combination के साथ हम 3 को add करेंगे. So for example, if you add 0000, if you add 3, अगर आप इसके साथ इस 3 को add करेंगे, so here with all zeros, if you add 3, so this is 0011. यानी कि इस 0 को represent करने के लिए we are going to use 0011, and rest of the things will remain the same. So same combination 0100, 0101, 0110, right? So then we have 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1111. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट? सो दीज आर द कोड्स. ये सभी आपके जो है वो यहाँ पर कोड्स बनेंगे. दीज आर द फर्स्ट 5 वैल्यूज एंड दीज आर द नेक्स्ट 5 वैल्यूज. एंड अगेन यू कैन सी दिस इज ऑल्सो बिकमिंग अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग समहाउ. अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे, सो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज द वंस कॉम्प्लीमेंट, राइट? इसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. इसका जो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? इसका जो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सो ऑन. सो इन दिस मैनर यू कैन सी, तो ये जो हमारे पास है, इसको हम लोग एक्सेस 3 कोड्स भी बोलते हैं. इफ आई थिंक आई हैव डन सम मिस्टेक, शायद मैंने कुछ मिस्टेक यहाँ पर किया है. यस, आई थिंक आई हैव डन अ मिस्टेक हियर. तो ये जो कोड है यहाँ पर, दिस इज गोइंग टू बी 1100. ये जो है 1100 होगा, जो कि इसका एक कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है. सो दिस इज अगेन योर एक्सेस 3 कोड, करेक्ट? तो आपको ये कोड करते क्या है, आई मीन यू नो व्हाट दिस कोड डू, यू कैन आल्सो डू अ सिंपल रिसर्च ऑन दिस. मैंने भी आपको पहले बताया था, एंड ऑल ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड नो कि इनको डिज़ाइन कैसे करना है. तो जो BCD कोड है, BCD कोड का मतलब क्या है, BCD8421 कोड इज कि जो भी आपके डेसिमल नंबर्स हैं उनको 4 बिट्स रिप्रेजेंट करो, करेक्ट? व्हेन आई से BCD2421 कोड, यानी कि जो आपके डेसिमल नंबर है उनको 4 बिट्स
हम रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जो आपका फर्स्ट हाफ होगा यानी कि जीरो से लेकर फोर तक, वहाँ पर हम इस टू का यूज़ नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज़ दिस टू, और जो सेकेंड हाफ है उसमें हम इस टू का यूज़ करेंगे और इस जो दूसरा टू है इसको हम ओकेजनली यूज़ करेंगे, राइट। अब यहाँ पर ये जो कोड है दिस इज अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड, ये आपका एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है। देन वी हैव दिस एक्सेस थ्री कोड, अगेन we are going to add 3 with these numbers and by adding 3 you can find out this will become a self complementing code again. So ye bhi aapka self complementing code hai. I hope that you understood this. Thank you so much for watching.